लोग नहीं जानते हैं। मैं अकेली हूँ ना, अरे मेरे माँ बाप इतने ही सक्षम होते तो इस दलदल से निकाल के मेरे को नहीं ले जाते, क्यों यहाँ पर मेरे को रहने देते। मेरा ना रोज सुबह हो रहा है ना, तो मेरे को वही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। तो क्यों ना मैं एक चीज़ और बताऊँ आज, कि मेरे को मैंने पितृपक्ष में अपने पति को पानी क्यों नहीं दिया, अपने पति की तिथि क्यों नहीं, तिथि में पूजा की, उनको खाना पानी क्यों नहीं दिया, वो बताना है मुझे आज। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और मुझे, मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही हूँ, है ना। मैं ये व्यू के कारण नहीं कर रही हूँ, श्रेया बेटा दूध वाला आया है, मैं ये व्यू के कारण नहीं कर रही हूँ। व्यू तो अपनी जगह है, मैं व्यू 1000 व्यू आता था ना उसी में खुश थी, 1000 व्यू आता था मैं उसी में खुश थी। पर मैं ना ही मैं यहाँ पर किसी की बुराई कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ जो कि मैंने नहीं बताई। बस जैसे कि क्यों नहीं बताई, आप लोगों को बताई थी कि मेरे यानी कि फैमिली वालों को कोई बुरा ना कहे, है ना। क्योंकि आप लोगों को, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, मुझे रोता हुआ देखते हो, तो आप लोग कोई मंदबुद्धि तो हो नहीं, कम दिमाग के तो हो नहीं, आप लोग सामने वाले के एक्सप्रेशन से और बात करने के तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना झूठ और कितना सच बोल रही हूँ। आप लोगों को मेरी बातों में दया जाते हैं, मेरी बातों सुनकर आप लोगों को दुख लगता है, आप लोग फिर उस वीडियो को देख करके कमेंट्स के थ्रू अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोग वीडियो देखकर आप लोग, आपके विचार क्या हैं, आप लोगों को दया जाती है। मेरे आस पड़ोस में भी लोग हैं, उनको भी दया आती है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिन्होंने ये सच्चाई जानी है, सबको दया आ रही, सबको दुख हो रहा है कि सुहाना आज पता चला। तो अभी एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। भजन सुन रही है श्रेया ने, पूजा पाठ कर ली है, और देवी माता में जल चढ़ाकर भी आ गई है वो, है ना, नवरात्रि चल रही है। तो पितृपक्ष की पूजा मैंने नहीं की, इससे बहुत बड़ी ये जो रचा गया है इसका भी लेना देना है। पितृपक्ष में पूजा नहीं की, पहले मैंने पूरी यानी कि मैं जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब वहाँ पर पता चला था कि क्यों रुचि, जैसे मेरे आस पड़ोस की दीदी लोग हैं वो लोग बोल रही थी कि क्यों रुचि, तो बुरा नहीं मानना एक बात का है, तो मैंने बोली हाँ दीदी बोलो। तो बोलते हैं कि बेटा शुक्ला जी को गए 3 साल हो गए हैं, तो इन 3 साल होने के बाद ना पानी देते हैं, जो श्राद्ध ये पितृपक्ष चलता है तो पानी देते हैं। तो मैंने बोली दीदी मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है। बोलते बेटा तुम कोई भी ऐसे घाट जाना जो नदी रहती है, वहाँ से पंडित जी से मिल लेना, वो लोग पूजा पाठ करके वो जल लेके आना, और अपने घर में वो यानी जल जो रहता है वो शुक्ला जी के रूप में रहेगा, और फिर उनकी अपने घर में पूजा करना और उनकी मनपसंद की चीज़ें बनाना और खिलाना। जब ये सब बोल रही थी तो मैं रोने लगी थी, बोलते बेटा रो मत, ये नियम है, ये करना होता है। मैंने बोला ठीक है दीदी, मुझसे जितना बनेगा मैं करूँगी। मैं जब इधर आई 15 तारीख को मैं आ गई थी, और पितृपक्ष मुझे नहीं पता कितनी तारीख से स्टार्ट हुए थे, पर 15 दिन ही बात थे। तो मैंने जब पितृपक्ष चल रहे थे उसका पहला दिन नहीं 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर मैंने पंडित जी का पता करवाया, और पंडित जी से मैंने बात की। मैंने बोला पंडित जी, बोलने में भी ना मैं सच बताऊँ बहुत गंदा लग रहा था मेरे को, पर क्या करूँ, मजबूर थी, पति को पानी तो देना होगा ना। बोलते हैं आत्मा भूखी प्यासी घूम रही होगी, या जन्म हुआ मुझे कुछ नहीं पता, जो हमारे कर्तव्य है वो हम करेंगे, ये मैंने सोचा। तो मैंने बोला पंडित जी मेरे पति नहीं हैं और उनको पानी देना, और 3 साल हो गए, क्या मैं पानी दे सकती हूँ, उनकी पूजा करवाना है, पंडित जी जो भी मेरी जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है,
पैसा ऐसा कर लेना ये वो पूरी तैयारी का बताए। हम जी पंडित जी मैं कर लूँगी, बोलते मैं सुबह 8 बजे आऊँगा पूजा करवाने के लिए, तो आप 8 बजे तक जो मीठे भजिया जो बेसन के रहते हैं और नहीं आटे के मीठे भजिए और बेसन के तीखे भजिए और उड़द दाल के बड़े, खीर पूड़ी, सब्जी, रायता जो भी है और कुछ मीठा ये सब बना के रखना, पर यानी उनको भोग लगाने के लिए। और जो भी तुम्हारी श्रद्धा है तुम कितने ब्राह्मण खिला सकती हो या फिर कन्या खिला सकती हो ये सब कुछ बताया। मैंने ठीक है पंडित जी मैं पूरी रात जागूंगी और मैं ये सारा चीज़ बना लूँगी, 2 बजे से जाग जाऊँगी। बोले ठीक है जैसा आपको करना हो आप कर लेना। मैंने ठीक है पंडित जी। अब ये सारी चीज़ तैयार यानी मैं खुश हो गई कि चलो शुक्ला जी को इस बहाने मेरे हाथों का खाना मिलेगा, वो खाएंगे और भूखे नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद पंडित जी का फिर फोन आया, बोलते हैं कि कोई जनों संबंधित पूजा कौन करेगा। तो मैंने बोली पंडित जी कोई नहीं है मेरा, मेरी बच्ची और मैं हूँ, उनका अंश जो बच्ची है वो कर लेगी या मैं कर लूँगी, हम दोनों कर लेंगे। बोले नहीं आप पत्नी हो, पत्नी आखिरी विकल्प होता है पूजा करने के लिए जब कोई ना हो। तो मेरे पंडित जी मेरा कोई नहीं है, मैं ही उनका पूजा करना चाहती हूँ। तो बोल मैंने मेरी बच्ची, बोलते बच्ची नहीं कर सकती है, बोलते कोई जनेऊ से संबंधित होना चाहिए। मेरे पंडित जी बोलते उनको दाग किसने दिया था, यानी कि आप लोग समझ सकते हो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, अंतिम समय उनको अग्नि किसने दिया था, दाग बोलते हैं। तो मैंने बोला पंडित जी मुझे नहीं पता, कोई थे वो कुटुंब के ही थे, परिवार के थे। तो बोले उनसे पूछ लो। तो मेरे पास एक नंबर था, मैंने उनको फ़ोन लगाया और उनसे बात की, बुजुर्ग हैं वो। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, क्या आप वो भैया को भेज सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए पूजा करवाना है, उसके बाद से मैं ही करने लगूँगी, सिर्फ 1 घंटे के लिए। मुझे पता है कि घर पर कोई भी मेरा साथ नहीं देता, पर शायद इसका काम में मेरा साथ दे दें, मनुली इनकी पूजा करवाना। तो वो लोग हाँ कर दिए, मैं भी खुश हो गई कि ये पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, मेरे बिट्टू को खाना पानी मिलेगा। उसके बाद 3-4 दिन गुजर गए, पितृपक्ष की जब उनकी तिथि आ गई उसके 1 दिन पहले फ़ोन आया कि हम ये पूजा नहीं कर सकते हैं। जब आपस में बातचीत चली होगी, ये बात वहाँ भी पहुँची होगी कि बहू पूजा करने के लिए बोल रही है वो, तो फिर फ़ोन आया कि ये पूजा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कारण पूछा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, बोलते हैं अभी पिताजी जिंदा हैं उनके तो अपन पूजा नहीं कर सकते। मैंने उन्हें ठीक है आप लोग बड़े हो, जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। बोलते ये नियम ही नहीं बना गया है, जब तक उनके पिताजी जिंदा है तो ये पूजा उनको पानी में जो ये पूजा है इसमें नहीं मिला सकते हैं। मैंने उन्हें ठीक है, मैं शांत हो गई। मैं अपनी इन दिनों पति की पूजा की तैयारी कर रही थी, मैंने उन बड़े लोगों की बात भी मानी, पर मेरे जो ये कंप्लेंट की गई ना ये पितरों के समय ही की गई, और मैंने उसमें सुना था कि पितरों के समय ना ही घर में कलेश होता है, ना ही किसी का दिल दुखाया जाता है, ना ही कोई नए कपड़े खरीदे जाते हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है और किसी घर में कलेश भी नहीं होता है। पितरों के समय अगर कोई व्यक्ति ये सब करते हैं ना, तो कोई जो व्यक्ति चला जाता है उसकी आत्मा को बहुत दुख होता है और वो यानी क्रोधित रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। जो व्यक्ति चला गया उसकी पत्नी के लिए इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी बेटी के लिए इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी आत्मा कैसे खुश होगी? आप लोग बताइए कहाँ तक मैं गलत हूँ, आप लोग बताइए। भी 3-4 दिन से जब मैं सुबह उठती हूँ दिन भर तो ये बात दिमाग में चलती ही चलती है, पर जब मैंने उसकी डेट देखी ना, 9 तारीख थी जब ये कंप्लेंट गई है, 9 तारीख था, और मेरे को 15 तारीख को नोटिस आया है और 19 तारीख को मैं गई थी। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद पहले जो एक कंप्लेंट पहले भी की गई थी मेरे खिलाफ, मुझे ऐसे ही उठपटांग बोल बोल करके जब मैं आप लोगों से बताई थी, पर पूरी बात नहीं बताई थी कि घर परिवार का तमाशा बनाना ही है
पर मैंने सच्चाई नहीं बताई आप लोगों को, आज मैं सच्चाई बता रही हूँ। तो ये जो षड्यंत्र पितरों के समय ही रचा गया था, पहले से रच रहे थे, इसलिए मेरी श्रेया के साथ ये लोग नहीं रहे। श्रेया ने जब एक बात बोली, बोला गया था श्रेया से कि दादाजी बीमार हो गए इसलिए हम नहीं आ सकते, हम दादाजी की देख रेख करेंगे, जबकि वहाँ से उनके जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद थी। तो श्रेया ने बस एक बात बोली, बोलती है कि दादी अगर आप नहीं आ सकते हो तो मैं चलूँ वहाँ पर रहने, मैं अपना बैग और एक दो जोड़ी कपड़े ले जाती हूँ, वहीं से स्कूल चल जाऊँगी, दादी मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, वहाँ रह लेती हूँ। तो वहाँ श्रेया से ये बोला गया यहीं पर कि नहीं, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ तुम नहीं रह सकती हो, वहाँ हम ही लोग तो बड़ी मुश्किल में बनते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा मंदिर है। और बहुत बड़ा मंदिर है वो, और वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई आता नहीं, एक एक दो दो महीना वहाँ पर सब रुकते हैं विद फैमिली। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसी का और ना मैं कभी लेती हूँ नाम, बट आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर विद फैमिली आकर रुकती है, जो उनके ज़्यादा करीब है, जिनके कहने में ये सब हो रहा है, जिनके कहने में मैं बर्बाद हुई हूँ, सब रुकते हैं। पर मेरी लड़की के लिए वहाँ जगह नहीं थी, मेरी लड़की बहुत सारी जगह ले लेती। चलो ये बात हुई। उसके बाद जो ये सब, एक बात और बता रही हूँ, आप लोग बोल रहे थे कोई अच्छा वकील करिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई अच्छा वकील करूँ, मेरे पास नहीं है पैसा इतना, वकील बहुत पैसा लेते हैं, और इनका जो वकील है वो इनके ही दामाद हैं, इनकी बेटी के हस्बैंड, उन्हीं के वर्ड है ये कि मैं सांड हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, मुझे इतना गलत गलत उन्हीं के वर्ड है ये। बहुत दुख होता है सोच करके कि ऐसे लोगों की मैंने देख रेख की, सेवा की, जो आज मेरे दुश्मन बन के बैठे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का, क्या मांगा था तुम लोगों से मैंने, जो मेरे को इतना परेशान कर और इतने गलत गलत टिप्पणी मेरे बारे में की गई है, जो मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे पता है ये रोने से आप लोगों को नहीं कुछ दुख होने वाला, आप लोग नहीं कोई चाल चलोगे, मुझे पता है। अब तीसरा षड्यंत्र रचा जा रहा होगा मेरे खिलाफ, और मैं यहाँ पर किसी की छवि धूमिल नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अकेली हूँ ना, अरे मेरे माँ बाप इतने ही सक्षम होते तो इस दलदल से निकाल के मेरे को नहीं ले जाते, क्यों यहाँ पर मेरे को रहने देते। अरे मैं, वो लोगों को अच्छा लग रहा होगा मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ यहाँ पर, परेशान हूँ, वो लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सेफ तो मैं नहीं हूँ, अकेली रहती हूँ। आप लोगों को पता है जब मैं घर बनवा रही थी, मैं 3 महीने आंगन में रही हूँ, बोला गया है कि मैं पूरे घर में कब्जा कर रही हूँ और मैं बेचने की फिराक में हूँ। अगर मैं पूरे घर में कब्जा करती तो जो घर में नीचे, जो मैं आंगन में रही थी, वहाँ पर लॉक लगा घर के अंदर नहीं रहती। आप लोग खुद सोचो क्यों मैं 3 महीने बिना लाइट पंखे के, लाइट भी नहीं थी, और आंगन में रही हूँ, पॉलीथिन प्लास्टिक जो रहता है वो लगा करके, वीडियो पे है सब कुछ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, पर वो मेरे लिए झूठी चीजें लेके गई ना, वो सारी बातें मुझे ना बहुत हर्ट कर रही है। इतनी खराब होती मैं तो ताला तोड़ करके घर में अंदर
रह लेती बच्ची के साथ कि नहीं मर रहूँगी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, जो जैसा जो कर रहा है मैं उसी में खुश थी, और मैंने पन्नी लगा कर के रह लिया मैंने। यह सच है, मुझे नहीं पता कि इन वीडियो के बाद क्या होने वाला है, पर मैं कम से कम जब तक ठीक ठाक हूँ, जब तक मैं सच्चाई तो बता दूँ ना, अगर जो चुपचाप रहती है और वो ऐसे ही चले जाए कहीं, उसका तो पता ना हो, तो कम से कम सच्चाई तो रहेगी ना। नहीं, उसके साथ तो ऐसा हुआ था, इसलिए बताना ज़रूरी है, और मैं बता रही हूँ। सारे रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। इन वीडियो के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, पर जितनी सच्चाई है मैं बताऊंगी। बताना जरूरी था। 2 साल से 3 साल से मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने किसी का कुछ नहीं बोला। अगर ये ठीक है, मैं वीडियो बंद करती हूँ।